हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी वॉर्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की जितनी भी अपडेट है शिक्षक भर्ती से संबंधित, यूपी टेट से संबंधित, वो हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि इस समय पर सबसे बड़ा मुद्दा तो यही बना हुआ है कि हाँ, ये चीज़ क्लियर है कि सुपर टेट यानी कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने जा रही है, लेकिन क्या उससे पहले यूपी टेट आयोजित कराया जाएगा या नहीं। और ये सवाल इतना बड़ा इसलिए बन जाता है क्योंकि सुनने में ये सारी चीज़ें आ रही है कि यूपी टेट के मार्क्स जो है वो जो आपका एग्रीगेट है उसमें ऐड हो सकते हैं, इस बार ये चेंज देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में जिन्होंने यूपी टेट की परीक्षा ऑलरेडी पास कर रखी है वो सब भी यूपी टेट की परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे हाथ से मौका जाना नहीं चाहिए, भले ही ऐड हो मार्क्स या ना हो, लेकिन अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए वो सब भी इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती से संबंधित क्या कुछ अपडेट है वो भी हम जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। देखो, सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे, जैसा कि पिछले दो दिनों से शिक्षक भर्ती के लिए जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो उसके थ्रू ये जानकारी निकल करके आती है कि शिक्षक भर्ती से TET तक जो है जो निर्णय है वो बहुत जल्द किया जाएगा, जो कि अध्यक्ष कृति पांडे जी ने भी कहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि प्रदेश में सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचार्य, एडिड जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल व इंटर कॉलेज में शिक्षकों, प्रधानाचार्यों से लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी UPTET के आयोजन को लेकर जल्द निर्णय होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कृति पांडे ने सभी बिंदुओं पर समितियां गठित करने की कर रिपोर्ट मांगी है। इन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इस पर जो है रिपोर्ट उनके पास भेजी जाए। और दोस्तों, ये ऐसा नहीं हो सकता कि बिना यूपी टेट कराए नए शिक्षक भर्ती आ जाए, आपका यूपी टेट ज़रूर होगा शिक्षक भर्ती से पहले, तो ये इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि इस बीच आयोग के अध्यक्ष सचिव मनोज कुमार व दूसरे अधिकारी अन्य तैयारियों में भी लगे हैं ताकि समितियों की रिपोर्ट मिलने के बाद जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जा सके। 20 लाख से अधिक प्रतियोगी छात्रों की उम्मीद के केंद्र उम्मीद का केंद्र जो है वो आयोग बना हुआ है। इसी महीने शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है सारी की सारी गतिविधियां शिक्षक भर्ती से संबंधित। वैसे सर्वाधिक नौकरी देने वाला बेसिक शिक्षा विभाग सबसे पीछे चल रहा है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक की भर्ती का अभी तक शासन को कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला है। ऐसे में नए आयोग के अधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों से प्राथमिकता के आधार पर संपर्क करने जा रहे हैं। तो यानी यहाँ पर एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ कि कल जब अध्यक्ष महोदय जी से बात की गई कि शिक्षक भर्ती से संबंधित उन्होंने क्या कुछ सोचा है, तो उन्होंने साफ साफ यही कहा है कि बहुत जल्द जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो बहुत जल्द परीक्षा का जो कैलेंडर है वो जारी करेगा और 7 दिन के भीतर भीतर जो है शासन को शिक्षक भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो ये यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जी ने कल की जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें मीटिंग हुई उसमें ये जानकारी निकल करके सामने आई। तो अब आप ये सारी चीज़ें छोड़ करके कि कब वैकेंसी आएगी, इन सब क्वेश्चनों को साइड में रख करके आप लग जाइए तैयारी में, क्योंकि भैया वैकेंसी तो अब आके रहेगी, ठीक है। अब तैयारी कैसे करनी है इसके लिए आज शाम को मैं आपको एक फुल जो है डिटेल वीडियो की किस तरीके से आप अपनी सेल्फ स्टडी या किसी यूट्यूब चैनल की हेल्प से किन किन सब्जेक्ट पर फोकस करके है ना अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं वो पूरी वीडियो आज शाम को मिलेगी। और कल से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर देंगे सुपर टेट के लिए। जो टॉपिक आपके ज़्यादा मार्क्स के आते हैं वो मैं आपको बहुत अच्छे समझा दूँगी, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट के बने हैं वो पूरी की पूरी जानकारी आपको कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आज हम शाम को इस टॉपिक पर बात करें कि तैयारी करनी कैसे है, ठीक है। देन उसके बाद हम कोई इस तरह की अपडेट नहीं लेकर के आएंगे, हम अपनी तैयारी पर बिल्कुल आपके साथ लग जाएंगे। आपको फोकस करना होगा अपनी तैयारी पर, तभी आप जो है इन सब चक्करों से हट करके अपनी
तैयारी बेहतर बना पाएंगे, क्योंकि फिर नोटिफिकेशन आने के बाद तो आप सभी जानते हैं कि सिर्फ रिवीजन ही किया जाता है। तो उसमें मैं आपका पूरा साथ दूंगी। मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ, अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी ज़रूर करें।